आपको क्या लगता है कि कल तेनाली उस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? राजगुरु जी, आप कब से जानते हैं तेनाली राम जी को? इतने सम्मान से उसका नाम? हाँ, चलो ठीक है, आप कब से जानते हैं उस दुष्ट तेनाली राम को? तो आप ये भी जानते हैं, कमाल की खोपड़ी है उसकी। राजगुरु जी, हमारा तात्पर्य ये है कि आप तेनाली राम को हल्के में मत लीजिए, उसने वर्षों नाको चने चबवाए हैं आपको। अब मेरा मतलब है, उसने वर्षों हमें नाको चने चबवाए हैं। और आपका तो उसने कितनी बार चीर हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा है, हमारी कितनी योजनाओं को ध्वस्त किया है, क्यों कोषाध्यक्ष जी? हाँ, बात तो ठीक है। ऐसे में हम केवल ईश्वर से ये प्रार्थना ही कर सकते हैं। बस मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज रात भर उसके सर में दर्द रहे, ताकि वो सोच ही ना पाए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसका दिमाग ही खराब हो जाए, पागल हो जाए वो कमबख्त, सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा बस। क्या बात है महाराज, आज आप कुछ व्यग्र हैं? व्यग्र तो नहीं, हाँ उत्सुक अवश्य हूँ। उत्सुक? वो क्यों महाराज? हूँ बस। क्या आपको डर है कि तेनाली राम जी की पराजय होगी इस प्रतियोगिता में? नहीं। फिर क्यों ऐसे आप? मैंने बताया ना, मैं उत्सुक हूँ। मैं उत्सुक इसलिए हूँ कि मुझे आशा हो चली है कि शत्रुंजय भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसमें व्यग्रता अथवा उत्सुकता क्यों? तुम भी महारानी साधारण स्त्रियों की तरह सोचती हो, तुम्हें महारानी की तरह सोचना चाहिए। ये क्या बात हुई? देखो, एक साधारण व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में से मनोरंजन ढूंढता है, एक को जिताना चाहता है और दूसरे को हरवाना चाहता है, अर्थात पक्षधर हो जाते हैं, दो गुट से बन जाते हैं, एक गुट किसी को अधिक तो किसी को कम बुद्धिमान मानते हैं। ओह, तो एक राजा क्या चाहता है? एक राजा चाहता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बुद्धिमान हो। जब एक राजा के दरबार में गुणी, सर्वगुण व बुद्धिमान व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो उस राज्य को प्रतिष्ठा मिलती है, उस राजा से गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और वो राज्य निरंतर प्रगति करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी सोच से शत प्रतिशत सहमत हूँ। माँ, मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती? जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती? चुप्पी? नहीं, चुप्पी तोड़ेंगे तो आवाज आएगी। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, इससे आप जितना भी खा लो आपका पेट नहीं भरता। अच्छा, तो तुम कसम की बात कर रहे हो? सही जवाब। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये शत्रुंजय हमारी मंडली में क्यों नहीं बैठना चाहता। राजगुरु जी, ये उसकी आदत है और उसकी अपनी इच्छा है, इसमें हम कुछ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ, हो सकता है हमारी बातें उसकी रुचि के अनुरूप ना हो। क्या वो स्वयं को राज दरबार के उच्च अधिकारियों से भी ऊंचा समझता है? बात ऊंचे नीचे की नहीं है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के प्रति या सांसारिक चीजों या महत्व आकांक्षाओं की ओर अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उसका दृष्टिकोण हमारे से अलग है। वैसे भी बुद्धिजीवियों का दृष्टिकोण भिन्न नहीं होता है। आइए अब चलकर उस दुष्ट तेनाली का दृष्टिकोण देखते हैं। हाँ,
देखते हैं उस कमबख्त का दृष्टिकोण। कमबख्त तेनाली। सावधान, सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। सदा की तरह आज भी राज्य सभा की कार्यवाही राज पुरोहित जी के प्रवचन से ही आरंभ की जाए। महाराज की जय हो। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और साथ में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सदा विजय बनेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो राजा प्रजा की खुशहाली और राज्य की प्रगति में पूरी क्षमता लग्न व बुद्धि से कार्य करता है उसका विजयी होना तय है। वो राजा जो अपने सैन्य बल को चुस्त सशक्त व तैयार रखता है उसकी प्रजा की स्वतंत्रता व खुशी निश्चित है। जो राजा अराजकतावादियों तथा अपराधी तत्वों पर अंकुश रखने के सिद्धांत में विश्वास करता है उसकी प्रजा शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। जो राजा बुद्धिमान दरबारियों का चयन करता है उन्हें अपने मत रखने की अनुमति देता है सुरक्षा देता है मत का आकलन करता है और सही निर्णय पर अमल करता है। वो कभी गलत निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसके समझदार दरबारी ऐसे अवसरों पर ठीक परामर्श देंगे और राजा के निर्णय सही ही होंगे। इससे देश का उत्थान निश्चित है। इसीलिए मैंने कहा था मुझे पूर्ण विश्वास है आप विजयी बनेंगे। वाह वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। हमें आशा है कि आज का दिन अति मनोरंजक होगा। तो तेनाली राम जी, क्या आप उत्तर देने को सज्ज हैं? मैं तैयार हूं महाराज। तो शत्रुंजय, आप एक बार अपना प्रश्न दोहरा दें क्योंकि हो सकता है कल किसी दरबारी ने ध्यान से ना सुना हो। जी महाराज। तो आरंभ कीजिए। महाराज, मेरा तेनालीराम जी से ये प्रश्न है कि वो कौन सा प्रमाण पत्र है जिसे वो नहीं दे सकते? वो प्रमाण पत्र जो तेनाली नहीं दे सकते? जी महाराज। प्रमाण पत्र यानी हो चुका होने का सत्यापन? बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। मैं सोचता हूं उसके लिए ये देखना होगा तेनाली को कि उसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है और क्यों। अब ये तो महाराज श्रीमान तेनाली राम जी को समझना है। महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये प्रश्न और इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है अथवा केवल मेरे ऊपर? तेनाली राम जी, ये प्रश्न और इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। मैंने तो केवल आपका उदाहरण के लिए प्रयोग किया था। धन्यवाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रश्न यही था। तेनाली जी, क्या आप अभी उत्तर देने के लिए सज्ज हैं? जी महाराज। तो उत्तर दीजिए तेनाली राम जी। महाराज, शत्रुंजय के प्रश्न का उत्तर है अपने उत्पन्न होने का प्रमाण पत्र। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि जन्म का प्रमाण पत्र तो जन्म के समय उपस्थित चिकित्सक अथवा दाई ही दे सकते हैं अथवा प्रशासनिक अधिकारी। बहुत खूब, बहुत खूब तेनाली राम, बहुत खूब। क्या ये उत्तर सही नहीं है? नहीं महाराज। तो सही उत्तर क्या है? अपनी मृत्यु का प्रमाण पत्र। ये भी सही है, कदाचित अधिक उचित है। वैसे दोनों ही उचित है। शत्रुंजय का उत्तर एकदम सटीक है, परंतु हम कहेंगे कि आज का मुकाबला बराबरी का रहा।
आप दोनों शत्रुंजय और तेनाली राम को बहुत बहुत बधाई। कोषाध्यक्ष जी। जी महाराज। आज का इनाम दोनों को मिलना चाहिए। जी महाराज। चलो, अब लग रहा है कि तेनाली पर हमारी पकड़ मजबूत होती जा रही है। देखते हैं। क्या देखते हैं? नजर तो आ रहा है कमबख्त तेनाली। Tak, 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 tak